दोस्तों यदि आपके फ़ोन के स्पीकर में डस्ट भर जाती है और आप चाहते हैं अपने फ़ोन के स्पीकर की डस्ट को रिमूव करना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा सिंपल मेथड बताने वाला हूं जिससे आप अपने फ़ोन के स्पीकर की डस्ट को दूर कर सकते हैं। दोस्तों जब आपके फ़ोन के स्पीकर में डस्ट भर जाती है तो आप क्या करते हैं, मोस्टली लोग किसी पिन से उसको साफ करते हैं या किसी लकड़ी मतलब लाइक डैट आप किसी माचिस की तीली से साफ करते हैं, बट ऐसा करने से हमारे फ़ोन के स्पीकर के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा जिसके यूज से आपका स्पीकर के डैमेज होने के चांसेस भी नहीं होंगे और आपका स्पीकर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना रहेगा। अब आप कहेंगे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हम अब कैसे अपने स्पीकर के डस्ट को रिमूव कर सकते हैं, तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का वर्क ही ऐसा है कि इस एप्लीकेशन को यूज करने से आप अपने फोन के डस्ट को दूर कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं उसके लिए आप वीडियो में बने रहें, आपको पता चल जाएगा किस तरह से एप्लीकेशन वर्क करता है। तो दोस्तों आपको सिंपली एक एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को मैं यहां से ओपन कर लेता हूं। तो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलने वाला है। परमिशन वगैरह आप दे देंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन में सिंपल सा इंटरफेस है इसका, आपको ज़्यादा कुछ सेटिंग्स वगैरह इसमें नहीं मिलेंगी। आपको यहाँ करना क्या है, आपको यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है क्लीन स्पीकर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब होगा क्या कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके स्पीकर के जो डस्ट है उसको रिमूव करना स्टार्ट कर देगी, बट ये करेगी कैसे वो भी आप देख लीजिए। दोस्तों इस एप्लीकेशन पर जब क्लीनअप पे हम अपने स्पीकर को लगा देते हैं तो जो एक इस तरह की फ्रिक्वेंसी को ये निकालता है स्पीकर के थ्रू, जिससे हमारे स्पीकर में जो भी डस्ट भरी हुई है वो सारी क्लीन हो जाती है। अब इसमें एक बात आती है आपकी, एक बार में ये ना हो, क्लीन नहीं हो आपकी डस्ट, तो आप इसको दोबारा रिस्टार्ट कर सकते हैं। दोबारा से ये प्रोसेस वही प्रोसेस आपको करने वाला है, तो आप इसको एक ऐड आए इसको स्किप कर देते हैं। इस तरह से आप एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार कर सकते हैं, जब तक आपका फोन के स्पीकर की डस्ट ना निकले तब तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बट एक दो बार में ही आपका स्पीकर आपका रिमूव हो जाएगा। बट इसमें एक चीज आप देख लीजिए, जब आपका स्पीकर नीचे की साइड हो तो जब आप इसको क्लीनअप पर लगाएं तो कुछ इस तरह से फोन को पकड़ें, आपका स्पीकर इस साइड हो तो आपको इस साइड रखना है, इस साइड हो तो इस साइड, मतलब जिस साइड भी आपका स्पीकर हो उस हिस्से को आपको नीचे की तरफ रखना है। आप ऐसा नहीं कि ऊपर को रखें, तो जब नीचे को रखेंगे तो ईजिली इसकी जो डस्ट है वो रिमूव हो पाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हुई, वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल साबित हुई है आपके लिए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर टैक्स रिलेटेड सभी समस्याओं का समाधान मिलता रहता है। और दोस्तों यदि आप अपने स्पीकर की वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं 500 गुना तक तो आप हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखें। और दोस्तों यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर संपर्क कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।